हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीजी बीजी एंड इजी प्रेजेंट्स नीट 2021 स्वीडो सॉल्यूशंस। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अ न्यूक्लियस विद मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू फ्रैगमेंट ईच ऑफ मास 120। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अनफ्रैगमेंट इज 7.6 व्हाइल द फ्रैगमेंट वन इज 8.5। द टोटल गेन बाइंडिंग एनर्जी इन द प्रोसेस। तो आपका जो यहां पे न्यूक्लियस है 240 का, the 240 nucleus is fragmented to 120 plus 120 and the binding energy of this nucleus is given 7.6 and for each nucleus it is given 8.5. so binding energy in product will be 120 into 8.5 plus 120 into 8.5 minus 240 into 7.6. this is the gain in binding energy. kitna banega 240 into 8.5 minus 7.6, so which is equals to 240 into 0.9, which is nothing but 216 mega electron volt. This is the binding energy, which is gained. Kitna aa gaya answer aapka? Option 1. Okay, next question. The electron concentration in semiconductor is the n-type semiconductor. An external field is applied across each of them. Compare the current in them. आपको यहाँ पे क्या बोला है कि एन टाइप और पी टाइप में कंसंट्रेशन आर सेम, बट हमें बताना है कि इसमें करंट ज्यादा होगा। यू नो द फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल्स टू म्यू पी इनटू एनपी प्लस म्यू एन इनटू एनएन। ओके, एंड इन द क्वेश्चन पी टाइप में क्या होगा, मेजोरिटी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सिग्मा फॉर पी विच इज इक्वल टू म्यू पी इनटू से एन प्लस म्यू एन इनटू माइनॉरिटी को मैं एम मान रहा हूँ एम। एंड एन टाइप के लिए जो होगा वो क्या होगा, म्यू ई इनटू एन प्लस म्यू पी, दिस इज इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, म्यू ई म्यू होल्स का जो होगा पी, या फिर पी बोला है फिर एच बोला, एच बोला म्यू एच, दिस इज म्यू एच होल्स का, ठीक है, इनटू एन। तो यहां पे देखो द पॉइंट इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन होल्स। इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो होल्स की मोबिलिटी से ज्यादा होती है, व्हिच मींस सिग्मा जो होगा, क्योंकि यहाँ पे n is quite greater than m, क्योंकि आपके यहाँ पे क्या है मेजोरिटी कैरियर्स ज्यादा हैं, माइनॉरिटी को हम इसको लिखेंगे इन टर्म, हम इसके बाद अवॉइड ही कर देंगे तो टर्म ये बचेगी। p के लिए क्या आएगा म्यू एच इंटू एन, एंड n टाइप के लिए क्या आएगा म्यू ई इंटू एन। तो मोबिलिटी जो होती है वो किसकी, इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा होती है होल्स की कंपेरेटिवली, तो इसलिए आपका n टाइप में करंट ज्यादा होगा, p टाइप में क्या होगा कम होगा, तो करंट इन n टाइप विल बी मोर देन करंट इन p टाइप। Is it clear? Next, sigma is conductivity. Resistivity का just opposite होता है, ठीक है? The number of photons per second on an average emitted by the source of the monochromatic of wavelength 600 nanometer that delivers the power. Okay, हमें number of photons per unit second बताना है। आपको पता है P is equals to n h c by lambda, so n which is equals to P lambda upon h c, so n which is equals to कितना बनेगा? Power is given कितना है 3.3 into 10 to power minus 3, lambda is given 600 into 10 to power minus 9 divided by hc. I am writing the value hc as 20/3, so 20/3, sorry 20 होती है पूरी, 20 into 10 to power minus 26, hc value होती 20/3, and this I am writing as 10/3, easy calculation के लिए, so n is equals to 10 into 10 to power minus 3 into 600 into 10 to power minus 9 डिवाइड बाय 20 इनटू 10/3, तो इस 3 नीचे एंड 10 टू पावर माइनस 26 10, यू कैन चेक इन योर आंसर, दिस इज 10 100 -1 -10, तो 10 टू पावर माइनस 10 डिवाइड बाय 10 टू पावर माइनस 26, योर आंसर विल बी 10 टू पावर 16, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो 10 टू पावर 16 क्या है हमारा आंसर, ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, a thick current carrying cable of radius r carries current I uniformly distributed across the its cross section. The value variation of magnetic field due to cable with resistance r cable is represented by. आपको पता है जो current carrying wire होती है उसके इसमें magnetic field होता है outside the wire which is nothing but mu naught I upon 2r, whereas inside जो होता है वो होता है b inside the wire जो होता है which is mu naught I r upon 2a square, which means B is directly proportional to R for inside and inversely proportional to 1 by R for outside, which means graph आपका कौन सा होगा, ये then this one, this is the NCERT question only, आपका NCERT book में है question।
फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड फ्रॉम द प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लासेस रूट थ्री. आपको क्वेश्चन में गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रूट थ्री, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ अभी. ठीक है, सो ठीक है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, लाइट इज इमर्जिंग. देखो लाइट यहाँ से क्वेश्चन से इतना तक दिखाया हुआ है, ये पार्ट नहीं है. लाइट वॉज देयर बट ये नॉर्मल इंसिडेंस से सीधा निकल जाएगी. दिस एंगल इज 30 डिग्री व्हिच मींस दिस एंगल विल बी 60 बिकॉज़ दिस इज 90. तो यहाँ से कितना एंगल होगा, दिस इज 30 डिग्री. तो रे विल गो लाइक दिस व्हिच इज मेकिंग एंगल आर. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट थ्री, इसका वन. सो हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, रूट थ्री इंटू साइन, एंगल कितना उसका साइन 30 व्हिच इज इक्वल टू वन इंटू साइन आर. सो रूट थ्री इंटू साइन 30 वन बाई टू व्हिच इज इक्वल टू साइन आर. तो एंगल आर इज 60 डिग्री, रूट थ्री बाई टू. साइन की कौन सी वैल्यू होती है 60 डिग्री, सो आंसर इज 60 डिग्री. ठीक है, सो इज इट क्लियर? थैंक यू एवरीवन.